प्यारे बच्चों, आज संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे नवमः पाठः सप्त भगिन्या अर्थात सात बहने। तो बच्चों, सप्त भगिनी या एक उपनाम है और उत्तर पूर्व के सात राज्य जो विशेष को यह उपाधि प्रदान की गई है और इन राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विलक्षणता को ध्यान में रखकर इस पाठ की रचना की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। अध्यापिका सुप्रभातम, छात्रः सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका अध्यापिका बोलती है, भवतु अध्य किं पठनीयम्, अच्छा आज क्या पढ़ना है। छात्रः वयं सर्वे स्वदेशस्य राजानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। तो छात्रा बोलती है, हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, सुंदर, वदत अस्माकं देशे कति राजानि सन्ति। तो अध्यापिका कहती है, सुंदर अच्छा बोलो, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति ही महोदय, महोदया 24। फिर शिल्पी बोलती है, नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति ही राजानि सन्ति। नहीं नहीं महाभाग 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोऽपि, अध्यापिका पूछती है कोई अन्य या कोई और बोलना चाहेगा। स्वरा स्वरा बोलती है, मध्ये एव बीच में ही बोल देती है, महोदये मे भगिनी कथयति यद् अस्माकं देशे नवविंशतिः राजानि सन्ति, एतद्दिश्च सप्त केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। और इसके अतिरिक्त सात केन्द्रशासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक् जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार जानती है, भवतु अपि जानीत यूयम् यदे तेषु राजेषु सप्त राजानां एकः समवायो अस्ति यः सप्त भगिन्यः इति नामना प्रतितो अस्ति। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में सात राज्यों का एक समूह है जो सात बहन इस नाम से प्रसिद्ध है। तो सभी आश्चर्यपूर्वक देखते आपस में देखते हैं, सात बहनें, इस प्रकार से बच्चे आपस में बात करते हैं। निकोलसः इमानि राजानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। अब निकोलस बोलता है, ये राज्य सात बहन इस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है, कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यनाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त उपाधि के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हों। समीक्षा कौतूहलम मेन खलु शांतिम गच्छति। अब समीक्षा बोलती है, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावतु तावद यत कानि तानि राजानि, ये सुनाइए वे कौन से राज्य हैं। अध्यापिका श्रृणुत, अध्यापिका बोलती है सुनिए, अद्वयम मत्रयम चैव नात्री युक्तम तथा द्वयम सप्त राजा समूहोयम भगनी सप्तकम मतम्मा। तो अध्यापिका बोलती है सुनिए, आवरण से प्रारंभ होने वाले अरुणाचल और असम, दो मावरण से प्रारंभ होने वाले मणिपुर मिजोरम और मेघालय, तीन तथा नावरण और त्रि से प्रारंभ होने वाले नागालैंड और त्रिपुरा, दो यह सात राज्यों का समूह भगनी सप्तक के नाम से जाना जाता है। इतम भगनी सप्तकेम इमानी राजानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशा असमा मणिपुरम। तो इस प्रकार से भगनी में ये राज्य हैं, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण है इमानी लघुनि वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, तथापि गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, तो सभी बच्चे बोलते हैं कथम्मा कथम्मा, कैसे।
कैसे? तो बच्चे अध्यापिका से पूछते हैं, फिर अध्यापिका बोलती है, इमहा सप्त भगिन्या स्वीये प्राचीने तासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। अध्यापिका बोलती है, ये सात बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही दृष्टिगोचर होती हैं, न केनापि शासकेन इमहा स्वयत्तिकृतः, किसी भी शासक ने इन्हें स्वाधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनीनाम संस्कृति ही महत्वधायिनी इति, और अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। फिर तन्वी बोलती है, अयम शब्दः सर्वप्रथमं कदः प्रयुक्तः, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब हुआ? किसका? सप्त भगिन्या का, अध्यापिका। श्रुत मधुर शब्दयोयम् सर्वप्रथमः विगत सप्तादश द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राजस्य उद्घाटन कर्मे केनापि प्रवर्तितः। तो सबसे सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द गत सती के 72वें साल में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। अस्मिन्नेव काले एतेषां राजानां पुनः संगठनं विहितम्, इस समय ही इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, स्वरा बोलती इनकी अन्य भी कोई विशेषता है क्या? अध्यापिका अध्यापिका बोलती है, नूनम अस्ति एव, तो अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपदि भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राजानि, पर्वत वृक्ष तथा पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं के द्वारा ये राज्य समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान विराजमान हैं। राजीवः, राजीव बोलता है, पूछता है, भवती गृहे यथा सर्वाधिकारम्या मनोरमा चा भगिनी भवती, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिकः रम्यः इमः सप्त भगिन्यः सन्ति। राजीव पूछता है, आप जिस प्रकार घर में बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये सात बहने सबसे अधिक सुंदर हैं? अध्यापिका, मनस्यागता ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है। अस्तु अस्ति तावद देशां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसा श्रुणुत, इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी चाहिए, सावधान मन में सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवा जनजातिः अत्र निवसन्ति, तो यह जनजाति बहुल प्रदेश है, गारो खासी नगा तथा मिज आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जास्विनः एतत् प्रादेशिकः बहुभाषिभिः समन्वितः परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णांतः सन्ति, शरीर में ऊर्जा से पूर्ण ये प्रादेशिक अनेक भाषाओं से संबंधित पर्वों की परंपराओं से पूर्ण अपनी लीलाओं और कलाओं के द्वारा प्रवीण होते हैं। मालती महोदये तत्र तु वंश भिक्षा अपि प्राप्यन्ते, मालती पुष्ट महोदया वहाँ तो बांस के वृक्ष भी बहुत मात्रा में होते हैं यानी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, अध्यापिका हाँ इस प्रदेश में हस्तशिल्प की अधिकता है, हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाए जाते हैं, जो वस्तु हाथ से बनाई जाती है। अवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंशम वृक्ष निर्मितानां वास्तूनां उपयोगः क्रियते, वस्त्र व आभूषणों से लेकर घरों के निर्माण तक प्राय बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ बांस अत्यधिक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए घर के निर्माण में यहाँ बांस की या बांस यहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है, प्रचुर मात्रा में है।
साम्प्रतं वंशोद्योगायं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तौ अस्ति। अब यहाँ बांसों का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में भी यह विख्यात है। अभिनवा, अब अभिनव पूछता है, बोलता है, भगिनी परदेशो अयम बहुआकर्षक इति प्रतीयते। यह भगिनी परदेश अत्यधिक आकर्षक ज्ञात होता है, जैसा आप बता रहे हैं उस प्रकार से क्या हो रहा है, ये बहुत आकर्षक लग रहा है। सलीमः किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या भ्रमण के लिए या भ्रमण प्रदेश उचित है, तो अपनी अध्यापिका से पूछ रहा है। सर्वे छात्रः उच्चैः महोदये आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। सभी छात्र बोलते हैं जोर से, महोदया आने वाले अवकाश में हम यहाँ ही जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, और स्वरा बोलती है आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका रोचते मे अयम विचारः, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राजानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, ये राजा भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया सप्त भगिन्या, ये सात जो प्रदेश हैं, ये सप्त भगिन्या नाम से ये प्रदेश जाने जाते हैं। आज हमने इनके बारे में अध्ययन किया, और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।